सोगा का आज हमारा पार्ट थ्री होने वाला है, जहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, जहाँ पे हम लोगों को सर बहुत सारे चीज़ों को देखना है, बहुत सारे अमेजिंग अमेजिंग चीज़ों को पढ़ना है। एक बार फटाफट फटाफट सारे के सारे लोग मुझे ऑडियो वीडियो चेक दे देंगे और बता दीजिए कि क्या आपको मेरा ऑडियो, क्या आपको मेरा वीडियो, सब कुछ एकदम परफेक्ट है, सब कुछ एकदम ज़बरदस्त है, राइट। तो लेक्चर नंबर थ्री हमारा आज का होने वाला है, जहाँ पे हम लोग काफ़ी सारे सेशंस को, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे चीज़ों को देखते हुए चलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस करते हुए हम लोग चलने वाले हैं। फटाफट आ जाएंगे इस वर्चुअल लाइब्रेरी को। अगर आपने अभी तक इस लिंक के ऊपर एक्सेस नहीं किया है तो आपको एक्सेस मिल जाता है। मैं आपको बता दूं कि कल हमारा नागपुर का फेस टू फेस मैराथन होने वाला है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम में 6:30 बजे तक ये मैराथन रहने वाला है। ये है बेटा एड्रेस, और अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो इस लिंक के ऊपर जाइए और आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, आपको URL के जगह डालना है bit.ly/IGSirLive, बस इतना स्मॉल में आपने डालना है, उसके बाद आपके सामने ये वेब पेज खुल जाता है। जैसे ही आप इस वेब पेज के ऊपर आते हैं तो देखो रजिस्टर फॉर नागपुर मैराथन यहाँ पे लिख के आ रहा है थर्ड पॉइंट के ऊपर, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आप नागपुर मैराथन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो फटाफट जाइए रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, बहुत मजा आने वाला है कल के इस इवेंट में, एकदम जोरदार तरीके से, एकदम जोरदार तरीके से आपको मजा आने वाला है। क्या आप इस बात को समझे? यस सर। चलिए आ जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ तो शुरुआत करेंगे आज के हम लोग ऑसम से सेशन की। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोगों को यहां पे देखना है, और अभी हमारा ये लेक्चर 3 है और 8 PM को ये सेशन होने वाला है। कल सुबह हमारा 9 AM का सेशन नहीं है, कल हमारा शाम का ही सेशन है, यानी कि 8 PM का, क्योंकि कल तो हमारा मैराथन होने वाला है नागपुर का, राइट हो? यस सर। चलिए अब अगर मैं बात करूं आपके साथ, सबसे पहली चीज हम लोग यहां पे देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आने जा रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 15 से रिलेटेड, या क्वेश्चन नंबर 15 की बात यहां पे हो रही है। देखो, मिस्टर सैम्युअल एग्रीड टू परचेस 100 बेल्स ऑफ कॉटन फ्रॉम मिस्टर वरुण। सैम्युअल ने वादा किया कौन सी चीज का, कि वो वरुण से क्या खरीदेगा बेटा, वो वरुण से यहाँ पे 100 बेल्स खरीदेगा कॉटन की। कितनी बेल्स खरीदेगा वो कॉटन की, बताइए मुझे, 100 बेल्स खरीदने वाला है वो कॉटन की फ्रॉम मिस्टर वरुण आउट ऑफ इज लार्ज स्टॉक एंड सेंट इज मेंट टू टेक द डिलीवरी ऑफ गुड्स, और कह दिया कि इसकी डिलीवरी ले लीजिए और अपने आदमियों को भी भेज दिया। दिस कुड बी दे कुड पैक ओनली 60 बेल्स। अब 100 में से केवल कितनी बेल्स पैक हो पाई, 60 बेल्स पैक हो पाई। लेटर ऑन देयर वाज एन एक्सीडेंटल फायर और एंटायर स्टॉक क्या हो गया बेटा, एंटायर स्टॉक यहां पे डिस्ट्रॉय हो गया जाता है, इंक्लूडिंग 60 बेल्स जो आपने पैक किए थे। तो आपको बताना है यहां पे कि कितने एक्सटेंट तक कौन लॉसेस को बेयर करने वाला है। तो परचेस किसने किया, सैम्युअल ने किया। किससे परचेस किया, वरुण से किया। तो वैसे तो सर सैम्युअल ने 60 बेल्स को अलग कर दिया था, तो 60 बेल्स की कॉस्ट को बेयर करने वाले हैं मिस्टर सैम्युअल। लेकिन अगर मिस्टर वरुण की मैं आप लोगों के साथ बात करूं तो बाकी 40 बेल्स जो अनअसर्टेन रह गई है उसे बेयर कौन करने वाला है, उसे मिस्टर वरुण को बेयर करना होता है। तो अनअसर्टेन गुड्स की प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है, जब गुड्स असर्टेन किए जाते हैं, और उसके साथ साथ दूसरी वाली बात कौन सी होती है बेटा, वो सामने वाले पार्टी के मदद से असर्टेन करते हैं, सामने वाले पार्टी के मदद से उसे अलग किया जाता है। तो ऐसी वाली बात यहां पे हुई है। देखिए यहां पे सेक्शन नंबर 26 क्या कहते हैं। चलो यार एक काम करते हैं, सीरियस स्टूडेंट मोड ऑन कर दिया जाए हमारे क्लास के अंदर। सर सीरियस स्टूडेंट मोड ऑन कर दिया जाए मतलब स्लो मोड ऑन कर दिया जाए, ताकि आलतू फालतू लोग क्लास से निकल जाए। चलिए अब अगर मैं बात करूं आपके साथ तो सेक्शन नंबर 26 के रिगार्डिंग मैं बात करूंगा। देखिए यहां पे जो क्या कहता है, प्रोवाइड करता है कौन सा, द गुड्स किसके प्रॉपर्टी में रहता है, सर सेलर्स के रिस्क के प्रॉपर्टी में रहता है। मतलब किसकी, बताइए मुझे, यहां पे सेलर्स की प्रॉपर्टी मानी जाती है जब तक उसके अंदर की प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती बायर को, तो फिर उसके बाद बायर्स आर एट बायर्स रिस्क और नॉट, है ना। तो ऐसी वाली चीज यहां पे आ जाती है, एकदम परफेक्ट है सर। अब देखो यहां पे क्या बोला, सेक्शन 18 को जब आप 23 के साथ रीड करते हैं तो वो कहता है कि अनअसर्टेन गुड्स में प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है, जब गुड्स को आपने असर्टेन करना है। और दूसरी वाली बात कब ट्रांसफर होती है बेटा, जब यहाँ पे समझिए बात को, जब यहाँ पे अनकंडीशनली आपको अप्रोप्रिएट भी करना होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। और ये कैसे अप्रोप्रिएट होते हैं, एक तो एसेंट विद द, मतलब एसेंट का मतलब होता है अप्रूवल, अप्रूवल इसमें लगता है बायर का, या सेलर इसे करता है सेलर के अप्रूवल से, या बायर के करता है
है सेलर के मदद से, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग कहते हैं ये वाली चीज यहाँ पे आ जाती है। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे क्या? बोलो मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे क्या? तो देखो फैक्ट्स ऑफ द केस में क्या होगा, सैमुअल एग्रीड टू परचेस 100 बेल्स, तो एक्सीडेंटल फायर हुआ तो इंक्लूडिंग 60 बेल्स डिलीवरेबल वे डिस्ट्रॉयड, तो कंक्लूजन में क्या लिखा जाएगा सर, 60 बेल ट्रांसफर हो जाती है तो 40 बेल्स का लॉस कौन बेयर करने वाला है सर, वरुण बेयर करने वाला है। 40 बेल्स को कौन बेयर करेंगे, वरुण बेयर करने वाला है सर, ऐसी वाली बात यहाँ पे की जा रही है। और बाकी अगर सेकेंड वाले केस, और कोई केस लॉ है क्या यहाँ पे? हाँ सर, अब देखो इन वेयर द बेल्स हैव नॉट बीन सिलेक्टेड विद द कंसेंट ऑफ बायर्स रिप्रेजेंटेटिव, अगर बायर के रिप्रेजेंटेटिव, अगर बायर ने सेलर के रिप्रेजेंटेटिव से पूछ के उसको अलग नहीं किया, तो ऐसे केस में पूरा के पूरा 100 का यहाँ पे लॉस कौन बेयर करने वाला है, वरुण बेयर करने वाला है। इस चीज का ध्यान रखना, दो चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ लो आप बात को मैं जो कह रहा हूँ आपके साथ। एक मिनट रुकेंगे, समझेंगे सारे के सारे लोग, है ना। मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप चाहते हो कि लॉस, सुनिए देखो, अनअसर्टेन गुड्स है ना, सबसे पहली चीज गुड्स को एसर्टेन कराना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है सर। और इसके साथ साथ अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं ना, तो गुड्स भी आपके एसर्टेन होना चाहिए और परमिशन होनी चाहिए बेटा, परमिशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है सर। परमिशन किसकी होनी चाहिए, यहां पे सेलर की परमिशन होनी चाहिए गुड्स को अलग करने की, और यहां पे अगर बायर भी अलग करे तो किसके परमिशन से करे सर, सेलर की परमिशन से करें, ऐसी वाली बात यहां पे बोली गई है। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझ गए क्या? बोलो मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझ गए क्या? जबरदस्त है सर, एकदम जबरदस्त है, आ जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन द कंडीशन एंड वारंटी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, व्हेन शैल द ब्रीच ऑफ कंडीशन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी अंडर द प्रोविजन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। और आपको इस चीज को एक्सप्लेन करने की भी आवश्यकता यहां पे दी गई है, आपको इस चीज को एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब अगर मैं बात करूं आपके साथ तो सभी लोग आ जाएंगे, फटाफट फोकस करेंगे स्क्रीन के ऊपर। देखो डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी, आप मुझे बताइए ऐसी कौन सी चीज होती है जो एसेंशियल एलिमेंट मानी जाती है, जिसको फॉलो ना करने से आप कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर सकते हो? सर वो वाली चीज तो कंडीशन ही यहां पे हो रही है, ठीक है। चलिए फिर सेकंड वाली बात, हम लोगों ने क्या देखा था, वारंटी का मतलब क्या होता है सर? वारंटी का मतलब होता है कि भले वारंटी का ब्रीच कर लो, लेकिन ऐसे केस के बदौलत हम लोग क्या कहते हैं कि यहां पे क्या क्लेम किया जाता है, यहां पे आप केवल और केवल डैमेजेस को क्लेम कर सकते हो सर, उसके अलावा किसी दूसरे चीज को क्या आप क्लेम कर सकते हो क्या? नहीं सर, उस चीज को आप क्लेम नहीं कर सकते। और बाकी सारी चीजें यहां पे लिखी गई है सर, ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी आप ट्रीट कर सकते हो जब यहां पे वेव कर दी जाए कंडीशन को, या बायर इलेक्ट करता है और या नॉन सीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है और यहां पे हम लोग एक्सेप्ट करते हैं किसी पार्ट को, या फुलफिलमेंट ऑफ एनी कंडीशन और वारंटी जो एक्सक्यूज किया जा रहा है लॉ के द्वारा, तो ऐसी वाली बात यहां पे लिखी गई है। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे क्या? कम ऑन एवरीवन, जल्दी से बोलेंगे, क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे क्या? कम ऑन, यस। चलिए आएंगे, आगे बढ़े क्या? बोलो मुझे जल्दी से, आगे बढ़े क्या? यस, परफेक्ट है। क्या सब लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही है? हाँ सर, सारी चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले सवाल के ऊपर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हर्षदा कह रही है लाइव नहीं है, तुम्हें क्या लेना देना हर्षदा, मैं लाइव हूँ या नहीं हूँ करके, तुम्हारा काम है पढ़ना, फालतू का सीआईडी और एसीबी प्रत्युमन बनने की जरूरत नहीं है तुमको, है ना। चुपचाप पढ़ने का और उसके आगे एक एक कंसेप्ट को देखो, यहाँ पे लाइव है नहीं है ना, अपना सीआईडी दिमाग लगा रहे हो वहाँ पे, या अटेम्प्ट आ गया है 10 दिन बाद उसका टेंशन नहीं है, इस चीज का टेंशन है कि सर लाइव है या नहीं है। बहुत ही गजब लोग यार, मैं मतलब प्रभु कहा दर्शन दीजिए, बस मैं यही कहूंगा अब यहाँ पे, है ना। चलिए आइए अब नेक्स्ट वाले चीज के ऊपर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर सर यहाँ पे क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बढ़िया तरीके से इस चीज को अपने को लिख के प्रैक्टिस करने वाले हैं हम लोग इस चीज को, ठीक है। चलिए आ जाएंगे फटाफट फटाफट, सारे के सारे लोग आ जाएंगे, ठीक है। चलो ध्यान दो, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, प्रियांश ऑर्डर एन आयरन विंडो व्हेन टू एन आयरन मर्चेंट टू हिज न्यू हाउस करके, बहुत बढ़िया। आयन मर्चेंट सेंड्स इट्स टेक्नीशियन टू टेक द साइज ऑफ द विंडोज, कि आप हमें क्या भिजवा के भेजिए, साइज ऑफ द विंडोज यहाँ पे बनवा के भेजिए करके, ऐसी वाली बात है, ठीक है सर, ये भी बढ़िया है। द टेक्नीशियन कम्स एट अ साइट एंड टेक्स द साइज ऑफ एरिया वेयर विंडो इज टू बी फिटेड, आफ्टर वर्ड्स द आयन मर्चेंट ऑन डिस्कशन विद द टेक्निकल इंटीमेट्स प्रियांश दैट कॉस्ट ऑफ विंडो विल बी 5,000 एंड ही विल टेक 1,000 एज एन एडवांस।
एडवांस। तो कॉस्ट कितना बोल दिया उसने, 5000 लगेंगे, 5000 लगेंगे, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं 1000 आपको एडवांस के तौर पर यहां पे देना पड़ने वाला है। समझ गए? यस सर। अब देखो, प्रियांश ने 1000 एडवांस दिया, रेस्ट आफ्टर फिटिंग द विंडो। आफ्टर 3 डेज टेक्नीशियन ट्राई टू फिट द विंडो मेड बाय हिम एट द साइट ऑफ प्रियांश। इट वॉज नोटेड दैट साइज ऑफ विंडोज वॉज नॉट प्रॉपर, प्रॉपर साइज ऑफ विंडोज यहां पे देखने नहीं मिला। अब देखो, प्रियांश रिक्वेस्ट द आयन मर्चेंट आइदर टू रिमूव द डिफेक्ट और रिटर्न हिज एडवांस। आयन मर्चेंट रिप्लाइज दैट विंडो वॉज स्पेसिफिकली मेड फॉर दिस साइट एंड डिफेक्ट कुड नॉट बी रिमूव नॉट इट कैन बी ऑफ एनी अदर यूज, सो ही विल नॉट रिफंड एडवांस मनी एंड शुड गिव द बैलेंस ऑफ 4000। तो आपको स्टेट करना होगा एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट वेदर प्रियांश क्या इस एडवांस मनी को यहाँ पे, क्या यहाँ पे एडवांस मनी को वापस ले सकता है या वापस नहीं ले सकता है, उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना होगा। तो मुझे आप बताएंगे क्या प्रियांश यहाँ पे एडवांस मांग सकता है या यहाँ पे प्रियांश एडवांस नहीं मांग सकता है, उस चीज के रिगार्डिंग यहाँ पे बात की जा रही है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं यहाँ पे कोमल का आंसर, बिल्कुल जबरदस्त है। उसके अलावा बाकी लोग बताएं क्या यहाँ पे एडवांस मांगा जा सकता है। हाँ सर, मांगा जा सकता है क्योंकि यहाँ पे फिट फॉर पर्पज नहीं हो रहा है, क्वालिटी एंड फिटनेस के ऊपर सवाल यहाँ पे आ रहा है। दूसरा, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी के ऊपर भी सवाल आ रहा है, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी और फिटनेस एंड क्वालिटी ऑफ यूज, है ना, ये दोनों चीजों से रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है। और ऐसे केस के अंदर गुड्स जिस डिस्क्रिप्शन का है अगर उस डिस्क्रिप्शन से कंप्लाई नहीं करते और फिट फॉर यूज अगर नहीं होता है तो हम कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर सकते हैं, और अगर हमने कोई पैसा दिया है तो उस पैसे को वापस क्लेम भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मुझे कुछ डैमेजेस होते हैं तो क्या मैं डैमेजेस भी क्लेम कर सकता हूँ क्या? हाँ सर, मैं बिल्कुल डैमेजेस भी यहाँ पे क्लेम कर सकता हूँ। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझ चुके हो क्या? बोलिए मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को समझ रहे हैं सारे लोग? यस सर, एकदम बढ़िया तरीके से समझ रहे हैं। चलिए आ जाएंगे, चलो ध्यान देंगे। एक बार रीड करो फिर से क्वेश्चन को, जल्दी से रीड करेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन को रीड करो जल्दी से। काफी बड़ा क्वेश्चन है, इसका आंसर इससे छोटा होने वाला है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को रीड करो जल्दी से। बिल्कुल चलो चालू करें, बोलो। आंसर 17 होना चाहिए मेरे हिसाब से, बराबर है क्या? आंसर 17। इसके बाद 2 यूनिट बच रहे हैं हम लोगों के बेटा, है ना, लेकिन दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट रहने वाले हैं और बहुत आड़े तेड़े सवाल दोनों यूनिट से पूछे जाते हैं। आ जाइए, एक्ट एप्लीकेबल। एक्ट एप्लीकेबल, इतना फनी एक कमेंट आया मेरे को, जाने दो। प्रोविजन, ठीक है, देर इज ए इम्प्लाइड कंडीशन दैट गुड शैल बी ऑफ अ मर्चेंटेबल क्वालिटी, मर्चेंटेबल क्वालिटी हो गया। सेकेंड, गुड्स शुड फिट फॉर पर्पस फॉर विच फॉर goods should fit for purpose for which अच्छा हुआ आपने नोटिस किया। आओ, गुड शुड फिट फॉर पर्पस फॉर विच इट शुड बी बॉट एज इट इज
इंप्लाइड कंडीशन, तीसरा बायर ने नॉट टेल द सेलर द पर्पस फॉर विच goods need to be bought. हो गया, चलो आओ कंक्लूजन प्रियांश ऑर्डर्ड विंडो प्रियांश ऑर्डर्ड विंडो ordered window to an iron merchant who came at sight and came at sight एंड अरे बेटा अब समझे नहीं बेटा सोगा समझे आपका बात को, 10 दिन बाद अपना एग्जाम है। देखो पर्पस का मतलब है इनका कहना कि मुझे खिड़की कौन से पर्पस के लिए लगाना है, मुझे वो बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे खिड़की लगाना है चौखट के ऊपर, मुझे ये बताना है मैं उसको चोरी के लिए लगाऊँ, मैं उसके लटकने के लिए लगाऊँ या कौन से पर्पस के लिए लगाऊँ, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ऐसी वाली बात यहाँ पर हो रही है। समझिए आप बात को बेटा, 10 दिन बाद अपना पेपर है ना, आपने ऐसा चीजें नहीं करना है, आपने भी अच्छे से पढ़ाई करना है ना। प्लीज सभी लोग ध्यान दो, प्लीज अपनी जो ऊपर का है ना, समझो आप बात को, मैं जो कह रहा हूं आप समझ चुके हैं, बस मैं कहना नहीं चाहता हूं अब बार बार और कुछ नहीं। आइए, हु केम एट अ साइट एंड इंस्टॉल्ड इट, लेटर ऑन It was later on it was found that it was not fit for use. It was not fit for use. It is breach of condition. It is breach of condition and Priyansh can repudiate contract. Priyansh can repudiate contract and recover his money. ठीक है, चलो चले आगे, आ जाइए अब नेक्स्ट चीज के ऊपर चलेंगे, आ जाओ फटाफट।
नेक्स्ट चालू होने जा रहा है हमारा यूनिट नंबर 3, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बात करने वाले। नया यूनिट चालू होने जा रहा है यूनिट नंबर 3, सभी के सभी लोग फोकस कीजिएगा। एक खास बात मैं आप लोगों को बता दूँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए आपको एक्सेस कैसा करना है, bit.ly/igsirlive उस लिंक के ऊपर चले जाइएगा दोस्तों। उसके बाद आपको ये CA फाउंडेशन की जो लिंक दिख रही है ना, CA फाउंडेशन के लिंक के अंदर आपको एंटर करना है। तो देखो मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे डाल के रखा हूँ L1 से लेके L8 तक, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेशन से, जिसको आप देख सकते हैं एकदम एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जितने भी लोग देख रहे हैं और आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देखना है, तो सुबह के टाइम सेंस क्लासेस नहीं होने वाली अगले 2-3 दिन, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे चीजों को कवर कर सकते हैं। मैंने पूरे सेशन को यहाँ पे डाल रखा है। इसमें हो सकता है कुछ कुछ जगह है ना सोगा के सेशन होकर के, तो आप वो सोगा के सेशन को इग्नोर कर देना। 7th और 8th के अंदर हो सकता है सोगा आपको मिल जाए, तो प्लीज उसको इग्नोर कर दीजिएगा। लेकिन बाकी सेशन से आपको बाकी सेशन यहां पे देखना है। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे? यस। शिवंग सिंह कह रहे कि सर दिसंबर वालों के लिए YT पर क्लासेस कब से लोगे? मैं YT के ऊपर प्रीमियर सेशंस करने वाला हूं शिवम, ये लगभग ट्यूसडे से प्रीमियर सेशंस जाने वाले हैं, और उसके बाद ये महीने में पूरे प्रीमियर सेशंस होंगे, अगले महीने में लाइव सेशंस होंगे, क्योंकि ये महीने में जितने भी मेरे लाइव सेशंस हैं वो जाने वाले हैं फॉर June 23 स्टूडेंट्स, क्योंकि उनका अटेम्प्ट अभी प्रायोरिटी में। उसके बाद फिर आप लोगों के साथ लाइव सेशंस लेना ही है, ठीक है? तो ये आप यहां से कवर करेंगे। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझ गए? अब ये सर आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट है ना बेटा, 10 तारीख को अपने मैराथन चालू हो रहे हैं 10-11 तारीख से। अब उसी बीच के अंदर अपने को सोगा के बाद अभी पार्टनरशिप को कवर करना है, फिर LLP के कुछ क्वेश्चंस को कवर करना है, तो इतनी सारी चीजें होनी, मतलब इतना टाइम मैं कैसे लाऊंगा, क्योंकि दूसरे फैकल्टीज के भी क्लासेस होती है ना, तो टोटल 10 फैकल्टीज तो किसी ना किसी के साथ क्लैश होता है। लेकिन हो सकता है आप उनमें से क्योंकि कुछ ही लोगों को फॉलो करते हो, तो आपके पास जो दूसरा अवेलेबल टाइम है आप उसके अंदर इन सेशंस को डेफिनेटली देख सकते हैं। तो आपके लिए अवेलेबल मैंने करवा दिया हो, तो आप इस चीज को बढ़िया तरीके से देख सकते हैं। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे? है ना? यस सर। चलिए आइए अब हम लोग देखेंगे यहां पे कौन सी चीज को। अब हम लोग यहां पे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर आ जाते हैं यूनिट नंबर 3 के अंदर। सभी के सभी लोग ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे। मैराथन के अंदर मैं BCR का भी मैराथन लेने वाला हूं, और मैं आप लोगों को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी मैराथन लेने वाला हूं। मैं इसके अंदर पार्टनरशिप एक्ट है, फिर अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ ये क्या निकल रहा है गलती से, पार्टनरशिप एक्ट है, इसके अलावा सोगा है, और इसके अलावा एक और जो एक्ट है वो कौन सा है, कंपनीज एक्ट है। इन तीनों के वन शॉट्स या इन तीनों के रिविजन वीडियोज मैंने आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, तो आप उससे देख सकते हैं अगर आपको देखना है तो, या अगर आपको लाइव करना है तो आप लाइव भी कर सकते हैं। मैम लाइव करवा रहे, बाकी भी ऐसे लाइव करवा रहे, आप कर सकते, कोई इशूज नहीं है उसके अंदर, एब्सोल्युटली नो इशूज। इनफैक्ट आप BCR और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के भी अगर आप मेरे प्रीवियस सेशन देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। मैं लाइव ले रहा हूं लेकिन आपको प्रीवियस देखना है तो आप प्रीवियस भी देख सकते हैं, कभी कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं उस चीज के ऊपर, ठीक है? तो ऐसी वाली बात यहां पे आ जा रही है। कब से BCR के सेशन होंगे सर? तो 12 तारीख को हमारा L1 चालू होने वाला है BCR के रिविजन वीडियोज का, ऐसी वाली बात है। हालांकि अगर आपको BCR अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया तो आपने BCR का वन शॉट सेशन देख लेना चाहिए और उससे कवरेज करना चाहिए था। यही गलती होती है यार, मैं बताऊं आपको, 2 महीने से मैं रेगुलर वीडियोस डाल रहा हूं, BCR कवर करो, ये कवर करो, वन शॉट से ऐसा करो, ये करो, लेकिन आप आखिरी महीने तक स्ट्रेच करते ही वो चीजों को, जब सही समय होता है तब हम लोग करते नहीं है। और जब इतना क्लोज आ गया, सर BCR पढ़ा नहीं आज तक, आज एक वीडियो, आज मेरे को एक मैसेज आया, सर मेरा सिर्फ सोगा हुआ है करके, क्या मैं पास हो सकता हूं? दिल से इच्छा थी, लिख दू उसके अंदर पास नहीं हो सकता है करके, मैं लिखना भी चाहता था, मैं सोच भी लिया था लिख डालता हूं करके, लेकिन फिर मैंने सोचा यार मैं एक बार अगर मैं ऐसा लिख दूं तो उसकी मतलब कोशिश को ही मैं मार दूंगा, तो मैंने उसको रिवीजन वीडियो शेयर किया, मैंने कहा अब इसे देख। तो अब वो क्या लिखता है समझना बात को उसके अंदर, सर ये तो बहुत ज्यादा, इससे कम में कुछ हो सकता है क्या, एक काम करना 12वीं दे दे फिर खत्म करना, फाउंडेशन दे ही क्यों रहा है, 12वीं ही दे डालना, निपटा ही डाल, खत्म ही कर फिर, है ना? तो ऐसी वाली बात है। तो मैं वही कह रहा हूं आपके साथ कि मतलब अब क्या बोलूं मैं, शब्द ही नहीं छोड़ते हो आप बोलने के लिए, क्या बोलूं अब मैं उसके बाद, है ना? चलो चले क्या आगे बढ़े, क्या बोलो जल्दी से मुझे, आगे बढ़े क्या, है ना? तो ऐसी वाली चीज यहाँ पे आ जाती है। मनप्रीत कौर वोकैबुलरी नहीं आती, कह रहे जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है आप उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हो बेटा। वोकैबुलरी अगर आपकी नेचुरली अच्छी है तो आपको वोकैबुलरी जमने वाली है नेचुरली, मतलब समझिए आप बात को, पहले से लेके 12वीं तक आपने गचकू किया, अब आप बोल रहे सर एक दिन के अंदर वोकैबुलरी का टोटका बता दो करके, कैसे हो सकता है? ये तो पहले से लेके 12वीं तक जो आपने बेसिक स्टडी की है उसमें आपने इंग्लिश की कितनी जानकारी ली है उसके ऊपर डिपेंड
करता है, तो मैं एक दिन के अंदर आके वोकैबुलरी नहीं सुधार सकता, टू बी वेरी प्रिसाइज अगर मैं आंसर दूँ तो आपको, ठीक है। चलिए आइए, लेकिन ये ज़रूर कोशिश कर सकते हो आप कि जो मैं आपको मॉड्यूल की वोकैबुलरी करवा के जा रहा हूँ वो एटलीस्ट आप पूरी कर लीजिए, ताकि अगर एग्जाम के अंदर 4 में से 2 मार्क के मॉड्यूल के सवाल आते ही है, कम से कम वो सवाल आपके सही हो जाने चाहिए, मैं ऐसा दूंगा। भले ये आंसर बहुत गलत अप्रोच कहूंगा मैं, लेकिन फिर भी अब जो है वो है, उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। चलिए आइए, सुनो, सुनिए, अब अगर मैं बात करूं आपके साथ, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, देखो यहां पे, रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, स्टेट द सर्कमस्टांसेस अंडर विच व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न और एनी अदर सिमिलर टर्म्स द प्रॉपर्टी देयर इन पासेस टू बायर। मतलब ये बात कर रहा है, आप लोगों ने ये वाली जो चीज है ना अकाउंट्स के अंदर भी पढ़ी है, सोग्रा नाम से आप ऐसा पढ़ते हो इसके अंदर, ठीक है। या इसी के अलावा एक दूसरा क्वेश्चन कैसा हो सकता है, और मिस प्रीति ओन्ड अ मोटर कार विच शी हैंडेड ओवर टू मिस्टर जोशी ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, आफ्टर अ वीक मिस्टर जोशी प्लेज द मोटर कार टू मिस्टर गणेश, मिस प्रीति नाउ क्लेम्स बैक द मोटर कार फ्रॉम मिस्टर गणेश, विल शी सक्सीड, क्या वो सक्सीड करने वाली है या नहीं करने वाली है। रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट डिसाइड एंड एग्जामाइन व्हाट रिकोर्स इज अवेलेबल टू मिस प्रीति। तो ऐसे केस के अंदर यहाँ पे आपको बताना है कि क्या हम लोग रिकवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उस चीज के रिगार्डिंग यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। चलिए देखेंगे फटाफट सारे के सारे लोग क्या बोला जा रहा है सेल ऑफ गुड्स और रिटर्न बेसिस के ऊपर, ये पॉइंट आ रहा है सेक्शन नंबर 24 ऑफ सोगा, इसके ऊपर चर्चा करता है। चलिए लिखना चालू करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम ऑन एवरीवन, एग्जाम में पूछने के चांसेस थोड़े से बन सकते हैं, ठीक है। आ जाइए, इसको हम लोग ए कैटेगरी, इसको बी कैटेगरी के अंदर डालो, बी इसलिए डालने लगा रहा हूं क्योंकि ये आपको जम जाएगा आसानी से, बस एक क्वेश्चन करने की देरी है, इसके बाद कोई भी सोगरा के ऊपर सवाल आएंगे हम लोग नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन ही हमारे लिए सफिशियंट रहने वाला है, ठीक है। चलो अब लिखो यहां पे आंसर नंबर वन, चलो चालू करें। प्रोविजन,
रिटेन्स गुड्स विदाउट गिविंग नोटिस ऑफ रिजेक्शन एंड टाइम फिक्स हैज बीन इलैप्स्ड। तीसरी वाली चीज, डज समथिंग टू गुड्स विच इज which is equivalent of accepting, which is equivalent of accepting, हुआ conclusion। चलो लिखो conclusion, हुआ क्या, आओ conclusion। Mr. Joshi had taken delivery of goods and pledged goods to Ganesh, to Mr. Ganesh, which means Mr. Joshi is bound to pay price to Preeti, is bound to pay price to Preeti। चलिए हो गया, बस इतनी चीज अपने को लिखना है यहां पे। चलो 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 फटाफट है ना, बस इतनी चीजें लिखना है सर, आ जाएंगे यहां पे। चलिए नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर चलेंगे सर, आ जाओ यहां पे। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर हम लोग यहां पे बात करेंगे। मिस्टर सैमुअल एग्रीड टू परचेस 100 बेल्स ऑफ कॉटन टू वरुण, 60 बेल्स यहां पे चीजें आने वाली है सर। देखो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है, ये अपन ने देखा है, रिपीटेटिव क्वेश्चन यहां पे आ रहा है सर, सेम वाली चीज है। अगर 60 बेल्स यहां पे ट्रांसफर हो जाएंगे, 100 बेल्स के अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो पूरा के पूरा 100 बेल्स कौन देखने वाला है सर, कॉटन यहां पे, मतलब वरुण यहां पे बेयर करने वाला है। जो कौन है बेटा, जो यहां पे सेलर है वो बेयर यहां पे करने वाला है। व्हाट इज द अपोर्शन ऑफ गुड्स अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, स्टेट द एसेंशियल्स रिगार्डिंग द अपोर्शनमेंट ऑफ अनसर्टेन गुड्स के रिगार्डिंग यहां पे बात की जा रही है। मतलब सर कौन सी चीज के ऊपर बात हो रही है, अपोर्शनमेंट से रिलेटेड बात हो रही है, अपोर्शन करना गुड्स को, कि कैसे आप गुड्स को यहां पे अपोर्शन कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखो यहां पे क्या लिखा जा रहा है। अपोर्शन ऑफ द गुड्स, A portion of the goods involves selection of goods with the intention of using them in performance of a contract and with a mutual consent of seller and buyer. तो seller and buyer का यहाँ पे आपको consent लगने वाला है, mutual consent के द्वारा ही आप contract के लिए सर apportion कर सकते हो, आप goods को अलग कर सकते हो, ऐसी वाली बात है। दूसरा essentials regarding apportion कौन से होता है, सबसे पहली बात contract of sale of unascertain या future goods होना चाहिए। दूसरा goods यहाँ पे description या quality के होना चाहिए। तीसरा डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए। चौथा अनकंडीशनली गुड्स को आपने अप्रोप्रिएट करना है, एक तो डिलीवरी की मदद से या किसी एजेंट की मदद से। जब आप गुड्स को अपोर्शन कर रहे हो ना, तो गुड्स यहां पे सेलर भी अपोर्शन कर सकता है विद द एजेंट ऑफ बायर, और बायर भी कर सकता है विद द असेंट ऑफ सेलर, असेंट ऑफ बायर, या बायर करे विद द असेंट ऑफ सेलर। तो सेलर खुद से कर सकता है, या दूसरा यहां पे असेंट भी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है सर, ऐसी वाली बात यहां पे आ रही है। ठीक है, फिर बस यही वाली चीज पूरी पूरी यहां पे कंडीशंस आ रही है। क्वेश्चन नंबर 3 की जो कंडीशंस है वो यहां पे पूरी पूरी दी गई है। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझ गए क्या, बोलो जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझ चुके हो क्या? यस, तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बताओ मुझे। यस, आ जाएंगे नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर। रूल्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ द डिलीवरी ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग बात की जा रही है सर। डिलीवरी पढ़िए एक बार इस चीज से रिलेटेड, फटाक से पढ़िए सभी लोग, इसका आंसर आप रीड करेंगे, जल्दी से करो।
चलिए क्या आपका हो चुका है ये पढ़ के सभी लोग बताएंगे मुझे, तो मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर। कम ऑन एवरीवन, शुभम बेटा हर समय मजाक अच्छा नहीं लगता, ये माहौल है अभी सीरियसनेस पढ़ाई करने का। एग्जाम को बचे केवल और केवल मात्र 20 दिन शेष रह चुके हैं, आप उसी से बाहर नहीं निकल रहे हमारी क्लास के वो यादों से एसके वगैरह, तुम उसी में लटके रहो अभी, है ना। चलो अब लटके चलो तुम पूरा, आइए चलो ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। हम सारे के सारे लोग आ जाएंगे और आ जाएंगे और आ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है। जे ओनर है बेटा कार का, हु वांट्स टू सेल हिज कार, फॉर द पर्पस ही हैंडेड ओवर द कार टू पी अ मर्केंटाइल एजेंट फॉर द सेल प्राइस ऑफ नॉट लेस देन 50,000, और वो 40,000 में ए को बेच देता है। मेरे हिसाब से ये वाला रिपीट क्वेश्चन हो रहा है सर। हाँ सर, ये रिपीट क्वेश्चन यहाँ आ रहा है, ठीक है। ये वाली चीज भी सर रिपीट क्वेश्चन कहा गई, वरुण वाली ये भी चीज सर यहाँ पे रिपीट क्वेश्चन थी, आरक्यू रिपीट क्वेश्चन, ठीक है। चलो आ जाएंगे अब आओ नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर सारे के सारे लोग आ जाएंगे, ठीक है। चलो देखो फोकस करेंगे स्क्रीन के ऊपर सभी लोग। मिस्टर जी सोल्ड सम गुड्स टू मिस्टर एच फॉर अ सर्टेन प्राइस बाय द इशू ऑफ एन इनवॉइस। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मिस्टर जी ने कुछ गुड्स बेचा एच को फॉर सर्टेन प्राइस फॉर एन इनवॉइस बाय एन इशू ऑफ इनवॉइस। हाँ बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया ये तो। बट द पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम वॉज नॉट रिसीव ऑन दैट डे, द गुड्स वेर पैक्ड एंड लाइंग इन द down of Mr. G. The goods were inspected by HK agent and were found to be in order. अरे यार ये तो मजा हो गया, चलिए आइए। Later on dues of the goods were settled in cash. Just after receiving the cash, Mr. G asked H that goods should be taken away from the godown to enable him to store other goods purchased by him. After one day, since Mr. H did not take the delivery of the goods, Mr. G kept the goods out of the godown in an open space. Due to rain, some goods were damaged. अब यहाँ पे क्या हो गया सर, अब यहाँ पे goods damage हो गए। अब referring to the provision of the sale of goods act 1930, analyze the above situation and decide who will be held responsible for the above damage. Will your answer be different if the dues were not settled in cash and still pending? तो payment एक प्रकार से condition नहीं होती है goods के अंदर की property transfer होने की। एक बात अगर मैं बताऊँ आपको तो बस वही सारी चीजें इसके अंदर आपको लिखना है। Ready and willing to transfer है, तो देखो जब भी goods ascertain होते हैं और specific होते हैं तो goods के अंदर की property कब transfer हो जाती है बेटा, जब सामने वाला व्यक्ति ready and willing होता है to deliver the goods at the request of buyer और reasonable टाइम के अंदर इसको गुड्स को यहाँ पे देना होता है, ऐसी वाली चर्चा यहाँ पे की जा रही है। क्या आप इस बात को समझे? चलो अब अपने को इसका आंसर लिखना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ए प्लस कैटेगरी के अंदर रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं और अगर जब भी पूछे जाते हैं तो समझ जाना इंस्टीट्यूट ने पेपर में मचाने की सोची है, ठीक है। आ जाएंगे चलो फटाफट सारे के सारे लोग आ जाएंगे, जल्दी से आ जाएंगे बिल्कुल। कौन सा क्वेश्चन नंबर था यार, ये मैं भूल गया हूँ, अब याद नहीं रहती बेटा चीज है, क्या बताऊँ अब आपको। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आने जा रहा है, ठीक है। चलो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को सारे के सारे लोग, और आ जाओ आंसर 6। एक्ट एप्लीकेबल सेक्शन 44 ऑफ अपनी क्वेश्चन बैंक में मजाक नहीं करो बेटा, वरदान है आप लोगों के लिए पास होने के लिए, मतलब एकदम तोड़ एकदम जोरदार चीज है। इतना आपने अगर समझिए बात को, किसी ने शिद्दत से अगर एक दो बार भी क्वेश्चन बैंक को घुमा लिया ना आपने, तो आपके आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू आपने समेट डाले। लिटरली ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं होंगे पूरे पेपर में जो आपको समझ नहीं आ रहे होंगे या जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे होंगे, मतलब लिटरली एक तरफा मचा दोगे अगर आप यहाँ पे बस अच्छे से करके जाना। मैं देखता हूँ यार लोग लेते हैं क्वेश्चन बैंक उसके बाद सॉल्व ही नहीं करते, ऐसा मत कीजिएगा बिल्कुल भी। हमें क्या करना है, अच्छे से तबीयत से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस चीज का आप ध्यान रखना, समझ रहे आप बात को। अब देखो मैंने यहाँ पे एक एरर करके रखा है, जरा मुझे बताइए क्या एरर है वहाँ पे, है ना। आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, तब तक मैं आगे प्रोविजन को लिखता हूँ। मैं जानता हूँ मेरी इंस्टिंक्ट कह रही है कि बहुत सारे लोगों ने लिखना चालू कर दिया होगा, एक मिनट को मैं चेक कर लेता हूँ, है ना। हाँ जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया, आ जाओ हुशार हुशार आओ सोगा
ये रहने दो 1872, इसको 1932 कर देता हूँ, है ना। नहीं सर, 1932 में क्या आया था, पार्टनरशिप आया था। चलिए आइए, सोगा हो गया, हाँ आ जाइए, चलो आ जाओ, चलो नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे क्या सर, बोलो जल्दी से मुझे, है ना। यस सर, आ जाइए फटाफट फटाफट। प्रोविजन पहला वाला पॉइंट, पहला वाला पॉइंट लिखो, व्हेन सेलर इज रेडी एंड विलिंग टू डिलीवर, रेडी एंड when seller is ready and willing to deliver goods and request buyer to take delivery and request buyer to take delivery and buyer does not take delivery in reasonable time, then he is liable for all loss, occasioned by refusal to take delivery। हो गया, बोलिए जल्दी से, सेकंड। प्रॉपर्टी इन गुड्स और बेनिफिशियल राइट्स, property in goods or beneficial in rights in goods passes to buyer at time of appointment, or अपोर्शनमेंट और एज में बी डिसाइडेड, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक मिनट होल्ड करना होगा आपको। हाँ चलिए, अब बोलिए तीसरा वाला पॉइंट लिखेंगे सारे के सारे लोग। थर्ड पॉइंट, आओ लिखो, risk of loss prima facie transfers with property, उसके बाद goods remain at seller's risk unless property is transferred, is
ट्रांसफर, ठीक है। चलिए अब लिखो यहां पे, अब लिखो कंक्लूजन, लिखो इन इंस्टेंट केस, इन इंस्टेंट केस मिस्टर जी हैज ऑलरेडी इंटीमेटेड, हैज ऑलरेडी इंटीमेटेड मिस्टर एच दैट ही वॉन्टेड टू, ही वॉन्टेड टू स्टोर अदर गुड्स, स्टोर अदर गुड्स एंड ही शुड टेक डिलीवरी, ही शुड टेक डिलीवरी। In such case, in such case, loss is to be borne by Mr. H. बराबर। उसके बाद second, where या if price is not paid in cash, paid in cash, then Mr. G, then Mr. G will be treated as unpaid seller, will be treated as unpaid seller and he can enforce right, and he can enforce right against goods as well as buyer, as well as buyer। बराबर है, as well as buyer। बस इतनी चीज आपको लिख के आना है यहाँ पे। आप बाकी भी चीजें लिख सकते हो कि सर अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है और पे नहीं किया तो स्यू कर सकते हैं प्राइस के लिए, या दूसरा अगर प्राइस यहाँ पे मतलब जैसे कि दूसरी चीज है कि प्रॉपर्टी पास नहीं हुई है तो आप यहाँ पे राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट या राइट ऑफ लीन वगैरह भी आप यहाँ पे एक्सरसाइज कर सकते हो अगर सामने वाला व्यक्ति प्राइस पे नहीं कर रहा है तो। बट हालांकि मैंने इतना लिखना ही सफिशियंट समझा क्योंकि जो चीजें मेन जरूरी थी वो अपन ने इसके अंदर लिख दिए है, राइट हो? यस सर। तो आज के लिए करेंगे केवल और केवल इतना। नेक्स्ट वाली चीज हम लोग कंटिन्यू करेंगे कब? कल शाम में 8 बजे हम लोग इसके आगे वाला पोर्शन को कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए सेशन को करते हैं समाप्त। बेटा जाने से पहले इतना कहना चाहूंगा कि मैं आपको सीए इंटरमीडिएट का लॉ भी पढ़ाता हूं, तो जैसे ही आपके फाउंडेशन के एग्जाम होते हैं कुछ ही समय बाद हमारे वार्म अप क्लासेस चालू हो जाएंगे सीए इंटरमीडिएट से रिलेटेड, जिसके अंदर मैं आपको सीए इंटरमीडिएट का लॉ पढ़ाने वाला हूं। प्लस के अंदर आपको यहां पे लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, सेम चीजें आइकॉनिक में, इसके अलावा पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस और टेस्ट एनालिसिस मिल जाता है। प्लस हो गया आइकॉनिक, आप जब भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले आप यहाँ पे आईजी सर, क्योंकि ठंडा मतलब कोका कोला, कोड मतलब आईजी सर, आप जब भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले आप यहाँ पे आईजी सर इस कोड का प्रयोग कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस, राइट हो? यस सर। वही अगर मैं बात करूँ आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, एंड अगेन आप यहाँ पे आईजी सर इस कोड का प्रयोग कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम पॉसिबल
डिस्काउंट. बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सेशन को देखने के लिए. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन. बाय बाय, टेक केयर. होप सो आप लॉ के अंदर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा हो. धीरे धीरे आपको केवल और केवल प्रैक्टिस करते रहना है. जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेहतरीन आप लोगों के लिए होने वाला है. मैंने आपसे कहा था कि आप क्या करते रहिए, आप कंटिन्यूस क्वेश्चंस को देखते रहिए. अभी डेडिकेटेड टाइम आपका होना चाहिए रिविजन के लिए और क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस के लिए. ये दो ही चीज़ें अभी आपको करना है. तीसरी और कोई भी चीज़ें मत कीजिए, नया टॉपिक मत चालू कीजिए. अब जो पढ़ लिया सो पढ़ लिया. बस खास बात है कि जितना जो रिवाइज करेगा वो उतना पास के करीब होते रहेगा, राइट? तो अच्छे से पढ़िए यार, तबीयत से पढ़िए, हमेशा खुश रहिए. बस ये मैं यही चाहूँगा. आलतू फालतू बातें जितने भी अभी अब सब छोड़ डालिए बेटा. एग्जाम में केवल और केवल 20 से 25 दिन शेष है, तो आपका फुल फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए. इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ों से मुक्ति पा जाइए. अभी के लिए इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि ये 20 दिन आपके दोबारा से नहीं आएंगे. एग्जाम के बाद रिजल्ट के समय आपको काश ये शब्द याद नहीं आना चाहिए कि काश मैं ऐसा कर लेता तो मैं पास हो जाता. जितनी कसर है पूरी की पूरी कसर निकाल दीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि आप समझिए बात को, ये रिजल्ट, ये परीक्षा केवल आपकी नहीं है, आपके घर वालों की, आपके माता की है, आपके पिता की है, इनकी परीक्षा भी है, क्योंकि वो आपके पीछे आपसे ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं जो शायद आप देख नहीं पा रहे हो, राइट? तो आपसे ज्यादा खुशी उन लोगों को होने वाली है जब आप अपने सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स में पास होंगे. आप हो सकता है ना रोए, लेकिन वो डेफिनेटली रोते हैं आपके रिजल्ट्स केस में. तो थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन. बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़िए, एकदम खुश रह के पढ़िए. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन.